आलिया भट्ट, अटम प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, अ क्वीन ऑफ स्टार किड्स। अब देखो, अगर तुम्हें नहीं पता कि आलिया भट्ट कौन है तो मेरे भाई सुन, ये वो है जिसके फॉलोअर्स लाखों में नहीं करोड़ों में है। ये वो है जो कभी बीजेपी, कांग्रेस या फिर किसी अदर पार्टी को वोट नहीं दे सकती। अरे बेटा, क्योंकि इसके पास इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है। यू आर राइट ब्रो। ये वो है जिसके अब्बा महेश भट्ट है। और अगर तुम इससे पूछोगे कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, कचरे का ट्रक चलाते हैं, नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, और मेरे पिताजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके। वैसे तो ये 12th फेल है, लेकिन टू स्टेट मूवी में इसने IIM स्टूडेंट का रोल प्ले किया है। यू आर राइट ब्रो। और यही नहीं, फ्रैंकलिन एयरलाइंस की ये ब्रांड एम्बेसडर है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो आओ यार, बातों का पतंगड़ बनाना बंद करते हैं और आलिया की बेइज्जती करते हैं। मुझे अपने घर जाना है। अरे आलिया दीदी, ऐसे कैसे, आपके अब्बा को रोस्ट किया, आपके अब्बा की प्रेमिका को दो दो बार रोस्ट किया, अब आपकी बारी है। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो इज्जत के साथ बेइज्जती करेंगे। अब देखो, इससे पहले कि हम आलिया को चिकन की तरह रोस्ट करें, चलो सबसे पहले इसकी फिल्म्स और उसके रेटिंग्स पर प्रकाश डालते हैं। शानदार 3.5, कलंक 3.5, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 5.3, हम्पी शर्मा की दुल्हनिया 6, सड़क 2 1.1। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। वैसे आलिया दीदी, ये बताओ, आप होली खेलते हो? होली, आई डोंट सेलिब्रेट होली, क्योंकि मुझे कलर से आई फील, मुझे खुजली होती है। हे भगवान, बिचारी आलिया को रंगों से खुजली होती है। बट वेट अ मिनट, आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना। अब अगर आपको भौंकना बंद हो गया हो तो मेरे को ये बताओ, तुम्हें इंडिया का प्रेसिडेंट पता है? Who is the president of India? अब इसके बाद आलिया पे इतने जोक्स बने कि बिचारी आलिया परेशान हो गई। पूरी दुनिया मुझ पे ऐसे चढ़ गई जैसे अतरिया पे लूटन कबूतर। लोग आलिया भट्ट हॉट पिक्स की जगह आलिया भट्ट जोक्स गूगल करने लगे। क्या क्या क्या? लोग आलिया भट्ट हॉट पिक्स की जगह आलिया भट्ट जोक्स गूगल करने लगे। मस्त जोक मारा यार। रियली में तुम लोग आलिया भट्ट हॉट पिक सर्च करते हो? नो। यार लोग कितने गलत फहमी में रहते हैं। अब अगर ये हॉट है तो ये कौन है? अब देखो, आलिया हॉट हो या ना हो, ठरकी तो जरूर है। कलेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी एंड पुट इट इनसाइड ना, सब ले लो। उसका वो ऐसे हिला रहा है वहां से, दे दो उसका, दे दो। अबे यार, क्या हिला रहा है, क्या दे दो, कहना क्या चाहते हो? वो आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। वो ऐसे हिला रहा है वहां से, दे दो उसका, दे दो, सॉरी वो पेपर हिला रहा है, दे दो। लड़की निकली ठरकी। और यही नहीं, ठरकी के साथ बदतमीज भी। हमार सुन बाना तगड़िया फाट जाएगी। अबे यार, पब्लिकली मीडिया के सामने कौन गाली देता है, बैड मैनर्स। अब देखो, जब आलिया पे मीम बनना स्टार्ट हुए तो आलिया ने अपने नॉलेज का प्रदर्शन करने के लिए एक और इंटरव्यू दिया। किसको? करण जौहर को। Who is the president of India? Dr. Pranab Mukherjee. Next question, what is the capital of China? Beijing. Right, correct. Hello, करण जौहर, वो क्या आपने आलिया को सारे क्वेश्चंस बता दिए थे? क्या आंसर भी बता दिया था? ओके, ये बात किसी को बोलनी नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये बात किसी को बतानी नहीं है कि आलिया ने क्वेश्चंस और आंसर्स का रट्टा मारा था। 28 by 4 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 = 7 =
पर दो दर्जन केले की कीमत 80 रुपए है। क्या, तो बताइए स्लोली 2 dozen bananas is 80 रुपीज, तो 60 रुपए में कितने केले आएंगे? अरे कपिल भैया, इसका आंसर तो कोई भी दे देगा। 14। अबे यार, मतलब आलिया मैथ मैडम, जनरल नॉलेज मैडम, इवन दो फॉर हर 10 to 15 minutes रोल,
ऑन गली बॉय, सी गॉट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। भाई मैं बता रहा हूँ, ये जितने स्टार किड्स है इनके डमनेस के लिए एक स्पेशल अवार्ड होना चाहिए। क्या ऐसे अवार्ड नहीं होते हैं? तो चलो हम लोग कुछ क्रिएटिव करते हैं। विमल इलायची फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल पॉपुलर एंड द नॉमिनीज आर नान्या पांडे फॉर हर टैलेंट। मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती है। हाउ क्यूट, व्हाट अ माय टैलेंट, वेरी नाइस, ओ नॉट बैड। तो ना एक्चुअली सीन फॉर केबीसी। रोन किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? Sara Ali Khan for her expression. Alia Bhatt for nothing. कुछ फायदा नहीं है, देख अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी वीजी बना। वैसे रोटी चावल से याद आया, तुमने कभी भी आलिया भट्ट को किचन में देखा है? नहीं। लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड व्हेन आलिया भट्ट वेंट टू किचन। कैसे लड़ूं, ऐसे लड़ूं? 1/4 teaspoon राई। ए बहुत, इससे मुंह क्यों हो रहा है, इससे मुंह क्यों हो रहा है? भाई मैं बता रहा हूँ, ये अपने 27 साल में पहली बार किचन में कुछ कुक करने गई है। You're right, bro. वैसे जो भी हो, आलिया में टैलेंट तो है। मुझ में एक टैलेंट है। अरे मैं बताता हूँ इसमें क्या टैलेंट है। नंबर वन, सी कैन क्रैक जोक्स। अमीर बिल्ली को क्या बोलते हैं? हाँ क्या? नहीं, बिलियनेयर, बिलियनेयर। क्या ये वाला जोक पसंद नहीं आया? नेक्स्ट वाला आएगा। Why is A a flower? Kill you. Why is A a flower? A flower क्यों है? क्योंकि B उसके पीछे है। बानर साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले। छोड़ो यार, इसमें एक और टैलेंट है। She can play chess. आने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही आलिया 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 यार क्यों ऐसा करते हो? घर में मम्मी परेशान नहीं होती, पापा परेशान नहीं होते, दीदी परेशान नहीं होती? ओ भाई मारो, मुझे मारो। ओ भाई साहब, आलिया की दीदी तो इतनी परेशान हो गई कि इन्होंने तो अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया। लेकिन फिर भी आलिया की हरकतें, आप अपनी रियल लाइफ में अगर बैचलर पार्टी होगी तो किस तरह की होगी? और डू यू वांट शाहिद विल बी अ पार्ट ऑफ योर बैचलर पार्टी? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। ये विदाउट म्यूजिक है, आप सोचो विद म्यूजिक क्या होगा। अरे साहिद भैया मैं बताता हूँ कि म्यूजिक के साथ कैसा होगा। गाइस आप लोग ने पूछा था कि कैटरीना कैफ आपकी कॉल लगती है, तो मैंने बताया था अपनी वीडियोस में कि वो मेरी कजिन सिस्टर है। उसके बावजूद आप लोग बोल रहे हो कि आप उससे भी ज्यादा सुंदर हो। तो गाइस क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ क्या करूं, क्या करूं? तो करना क्या करूं, क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ क्या करूं, क्या करूं? तो करना क्या करूं, क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ क्या करूं, क्या करूं? क्या करूं, क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ क्या करूं, क्या करूं? क्या करूं? तो चलो यार, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब देखो, इस पूरे वीडियो में मैंने कहीं पर भी आलिया की एक्टिंग के बारे में बात नहीं की, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सी हैज इंप्रूव्ड हर एक्टिंग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया ना, वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो कमेंट कर दो। साथ ही में मेरे को बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पे बनाऊं, मतलब कह के लूं। और यार सेलिब्रिटीज पे और रोस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आओ ना यार, वहां पर चैटिंग चैटिंग खेलते हैं। तो मैं मिलता हूं यार आपसे अगले वीडियो में, साथ तब तक के लिए गाइस चलो बाय। So much hate, let's get loving. You and me, let's go. I'm a full-time nerd, I'll do you no harm. Let's get strumming. Come here, come here.